कल सुबह 4 बजे के करीब कुछ लोगों को पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। वो लोग कहीं से आ रहे थे और पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वो बंगाल साइड में जा रहे हैं। उसके बाद तत्काल स्थानीय पुलिस ने और स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन ने उनको पास के क्वारंटीन सेंटर में, जो टाउन में चल रहा है, वहाँ पे उनको आवासित कराया। वो लोग वहाँ रहना नहीं चाह रहे थे और वहाँ पे उनका मन भी नहीं लग रहा था और थोड़ा केओस भी क्रिएट हो रहा था। और उसी क्रम में दोपहर में जब तेज़ बारिश हुई और आंधी आई, तो वो उसका लाभ उठाकर वहाँ से भागने में, पलायन करने में सफल हो गए। जब उसके उसकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी ने की, तो उसके निबंधन में 47 लोगों का नाम था, जिसमें से 42 लोग वहाँ पे थे, जिसमें 16 लोगों की स्वास्थ्य जांच मेडिकल कॉलेज में चल रही थी और 26 लोग उस सेंटर में उपस्थित थे। तो निबंधन के पंजी के अनुसार 5 लोग हम लोगों के मिसिंग थे, जिन्होंने अपना पता मालदा बंगाल लिखाया था। जब इसके बाद में कार्रवाई शुरू हुई, तो इसमें प्राथमिकी दर्ज हुई, टाउन थाना में कांड दर्ज किया गया। जो वहाँ पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त थे, उनको तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित किया गया, मजिस्ट्रेट से शोकॉज किया गया और उसके अतिरिक्त 2 अन्य मजिस्ट्रेट से भी शोकॉज किया गया। जांच के क्रम में लोग मिले और उसी क्रम में टोटल, फिर जब चेन हम लोगों ने उसकी ट्रेस करना शुरू करी, तो टोटल 10 लोगों की रिकवरी हुई। इन 10 लोगों को हम लोगों ने इनसे पूछताछ की और इन्होंने सबने बताया कि हाँ, ये आए थे और इनका वहाँ पे ये नहीं रुकना चाहते थे और इन्होंने घबराहट के मारे गलत पता बताया, बंगाल का बताया। उन लोगों को आशंका थी, उन लोग थोड़ा डरे हुए थे कि स्वास्थ्य क्वारंटीन किया गया है, कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी। उसके बाद उन लोगों ने, अभी जब हम लोग उनको ले के गए ऋषि भवन में, तो वहाँ के जो फोर्स डिप्यूटेड थी, उसने उनकी पहचान करी। उन लोगों ने भी खुद भी इस चीज़ को बताया, कहाँ कहाँ वो रुके थे ऋषि भवन में। तो इस बात की पुष्टि हो गई कि हाँ, यही फाइनली यही 10 लोग थे। निबंधन 5 लोगों ने कराया था, क्योंकि ये शुरू से ये लोग आशंकित थे। इन लोगों को ऐसा संशय था कि पता नहीं हम लोग कब घर हम लोगों को जाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने घबराहट के मारे तो बंगाल पता बता दिया और साथ ही साथ 5 लोग वहीं कहीं किनारे चले गए और उन्होंने किसी तरह इवेट कर दिया निबंधन के प्रोसेस को। तो निबंधन के अनुसार जो SDO ने जांच रिपोर्ट हम लोगों को 5 की दी थी, वो अब जांच कंप्लीट होने के बाद अपडेट हो जाती है 10 लोगों की। वो अब बाहरी वो लोग हैं, आप लोगों ने अभी देखा ऋषि भवन में उनकी पुष्टि हुई है। तो यही पूरा प्रकरण है जो अब हम लोग इसको कंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, अटेंडेंट का तो अभी इतनी जल्दी तो उसके बारे में कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसी सूचना जो प्रारंभिक जांच हो रही थी उसमें आई थी कि वो भी किसी के स्टेटमेंट में कि उसने भी प्रयास किया, नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे लोग रुकें। थोड़ा रिलक्टेंस था वहाँ के लोगों में कि यहाँ पे ना रोक, इन लोगों को रोका जाए। उसी क्रम में उसने अगर कुछ रेजिस्टेंस किया होगा, तो उसकी जांच होगी और जांच के क्रम में जैसा आएगा, उस हिसाब से विधि सम्मत हम लोग प्रक्रिया अपनाएंगे। ये तो इन्होंने तो डिनाई किया है कि हमने ताला तोड़ा है, तो वो पुलिस अनुसंधान पूरा होगा तब पता चलेगा। ये लोग आज़मनगर से मिले हैं, तो आज़मनगर में डिटेल SP साहब बताएंगे। तो जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, तो आज़मनगर में लोग ट्रेस हुए। तो इन्होंने अभी यही स्टेटमेंट दिया है कि ये लोग अपने घर जाना चाह रहे थे, ये क्वारंटीन में नहीं रहना चाहते थे और उनको घर वालों से मिलने की इच्छा थी, इसलिए ये लोग किसी ना किसी तरह रजिस्टर कर रहे थे और जैसे ही बारिश तेज़ हुई और आंधी आई, तो ये पलायन कर गए।